हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रेड वेलवेट केक बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही इजी है। मगर सोचने के लिए कहते हैं सब लोग कि रेड वेलवेट केक बहुत टफ होता है, पर नहीं, नॉर्मल जैसे हम केक बनाते हैं वैसे ही होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि कितना इजी है और कैसे बनता है। और नॉर्मल हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमारे घर पर जो चीज़ें हैं अवेलेबल, हम उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमें ज़्यादा इन चीज़ों की, तो जो आपके यहाँ है उसके ही चीज़ से हम नापेंगे। जैसे हम एक कोई कप हो या कोई भी चीज़ जैसे आप केक बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो पहले हम दूध लेंगे और दूध में शुगर डालकर फेटेंगे। हम इसमें अंडा नहीं डाला है, बिना अंडे के केक बना रहे हैं। तो पहले ये थोड़ा सा दूध लेंगे, ऐसे आधा कप करेंगे। और उसमें ये शुगर डालेंगे। नाप से जितने हमें उसमें डालना है, अभी हम ये थोड़ी सी इसमें मेल्ट करने के लिए डालेंगे। ये दो हो गया कप। अब हम इसको धीरे से मेल्ट करेंगे। ये देखिए, लगभग थोड़ा सा मेल्ट हो गया। अब हम इसमें जो चीज़ें हमें मिक्स करना है वो अभी मिलाएंगे। पहले तो हम ये ऑयल है, रिफाइंड ऑयल जो नॉर्मल होता है वो हम ये कटोरी है ये इसमें डाल देंगे। और इसी में हमने एक कटोरी ही डाला, इसलिए ये बटर है जो हम थोड़ा मेल्ट इसको पिघलाकर फिर डालते हैं। ये जब तक पिघल रहा है तब तक हम और चीज़ें डालते हैं ना। ये पिघल जाएगा तो ये इसमें डाल दें। ये वैसे तो सब वाइट विनेगर डालते हैं, हम विनेगर नहीं डाले, हम लेमन का जूस डाल लें। तो ये 1 चम्मच करीब लेमन जूस है। और उसी में 1 छोटा चम्मच नमक, यानी कि इसमें फ्लेवर के लिए ना। ये बेकिंग बेकिंग पाउडर जो हम 2 चम्मच करीब डालेंगे। इससे केक ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने पूरा हमने बटर नहीं यूज़ करा है, खाली थोड़ा सा बटर, आधा बटर आधा डालना। हम बाकी और क्या क्या मिलाते हैं, तो ये देखिए हम उसी कप के हिसाब से ना इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को पहले हम छान लेंगे। चलिए, मैं ये देखिए हमने 2 कप चीनी डाली थी, तो हमने 2.5 कप करीब मैदा में डालना। और इसके 1/4 मतलब आधा ये रवा हम डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए। ये देखिए, और कॉफ़ी पाउडर। एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। और अब हम इसको छान लेंगे। देखिए, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसीलिए दूध है, इसमें हम इस बैटर को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे। दूध डालने से केक में सॉफ्टनेस आती है, इसलिए। और इसी में हम थोड़ा रेड कलर डालेंगे। देखिए, हम इसमें रेड कलर डालेंगे बस। तो ये रेड कलर है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इसको खूब अच्छे से, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल स्मूथ हो जाए इसका टेक्सचर है। थोड़ा सा हमारा कलर और रुक रही है, कलर थोड़ा कम है, हम थोड़ा और डालेंगे। ये रेड रोज कलर है, रोज कलर है।
तरह से बिल्कुल स्मूथ सा कलर लाना है। ऐसे ही थोड़ी देर फेंटना, कम से कम 5 मिनट तक आप इसको कसके से फेंटिए तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। कर दिया। हेलो, देखिए ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना बढ़िया है इसका, ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए, ये हमने पूरा 1 कप भर के दूध इसमें डाला था, पानी नहीं डाला, खाली दूध डाला, उसी से ही ये बनाया। और अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको हम ऊपर थोड़ा सा रेस्ट होने रखते हैं। अब हमें जिसमें केक बनाना है वो चाहिए, और उसके लिए आप उसमें थोड़ा सा बटर जो हमने मेल्ट करके रखा हुआ है, ये देखिए इसमें तैयार करके बटर लगा लीजिए। और अब इसमें हम बटर को लगाएंगे ताकि हमारा केक जो है चिपके। वैसे साइडों में भी लगा देंगे ताकि हमारा साइडों से भी ना चिपके, इसलिए हमने साइड में भी बटर लगा रखा है। और बटर को भी लगाएंगे ये देखें, ये हमारा साइडों से भी रखते हैं। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे, ये सब तरफ से चिपका भी दिया है। और हम केक बनाएंगे कुकर में, तो अवन या माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कुकर में। तो आगे दिखाते हैं। चलिए, इसी वीक में एक बड़ा कुकर चाहिए ये, तो इसमें हम डालेंगे मेरा जो हम अक्सर बनाते रहते हैं तो यूज़ करा हुआ है नमक। नमक है, इसको हम फैला देंगे पूरे में। इस तरह से एक स्टैंड इसके अंदर डालते हैं। अब इसके जैसे ढक्कन की जो हम सीटी है वो निकाल देंगे और इसको छुपा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये गर्म हो जाए, और तब हम इसमें बैटर वगैरह डालते हैं। अब देखें, ये मेरा बैटर है, ये देखें से टैप करें तो ये अगर नीचे के बबल्स वगैरह होंगे ना तो वो अपने निकल जाएंगे। तो ऐसा बबल्स होते हैं ना तो अंदर से सही होता है। अब मेरा कुकर तैयार है, तो अब देखें, अब मैं हम इसको उसमें कुकर में रख देंगे। ठीक, कुकर बना है इसलिए मेरे तक थोड़ी सेफ्टी, सब हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ी सेफ्टी बरतना चाहिए। अब हम अभी हमने फुल रखी ताकि हीट अच्छे से पकड़ ले, अब हम इसको बिल्कुल लो में गैस को कर देंगे। अब हम इसमें रगीला लगा देंगे कुकर का ढक्कन, और इसकी ये रबड़ भी निकाल देंगे ताकि अंदर से वो बन जाए गैस अच्छे से सही से। अब देखिए, हमने इसको रख दिया। अब इसमें इसको वेट करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो चलिए फिर तब वेट करते हैं। गो, चलिए देखिए 15 से 20 मिनट लगे हैं। मैं कुकर खोल के इसको बंद कर दिया क्योंकि परफेक्ट हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब हम इसको पैक करेंगे। ये देखिए, देखिए बिल्कुल लकड़ी हमारी एकदम सूख की हुई निकली है, इसका मतलब केक मेरा तैयार है। मैं गैस बंद कर दिया, कुकर उतार देंगे, अब इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको इसमें पलट देंगे प्लेट। ये सब तैयार है इसका, ये अभी गर्म है, थोड़ा हम इसको और ठंडा होने देंगे। ये इसको हटा देंगे। ये देखिए हमारा रेड वेलवेट केक अभी बेक होके तैयार हो गया है। हम इसको आगे डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि ये अभी गर्म बहुत है। ये देखिए सॉफ्ट कितना बना है। तो ये अगर क्रैक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसे निकाल देंगे और उसे डेकोरेशन में ले लेंगे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे केक हमारा अच्छा स्मूथ बना है। चलिए देखते हैं, और हम आपको इसको कटिंग करके दिखाएंगे।
देखिए हमारा ये ठंडा हो गया है, हमने इसके 3 पीस कर दिए। अब हम इसको जो शुगर का पानी होता है वो हमने इसमें डाल दिया, हमने पानी भी रेडी कर रहा था इसके लिए, इसमें शुगर का पानी डाल दिया। और अब हम इसमें क्रीम लगाएंगे। ये क्रीम वो नहीं है जो केक पर लगाई जाती है, हमने ये क्रीम खुद बनाई है क्योंकि वाली क्रीम मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, जो ये मिल्क से अलग से बनाई हुई है। इस तरह से ये पूरे में फैला देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया, ये दूसरे में लगाएंगे क्रीम। हम इसमें ये इसका सबसे ऊपर वाला ये डाल देंगे। हम इसमें ये पूरे में क्रीम लगा देंगे और इसको पूरी तरह से सेट कर देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए हम इसमें इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए, और फिर आगे जो हमें डेकोरेशन करना है इसका वो करेंगे। ये ऐसे अगर थोड़ा तो परेशान मत होइए, क्योंकि हमें इसका डेकोरेशन करना, इसको सेट भी करना, सेट करने के बाद उसमें अच्छे से आएगा। ये मैं क्रीम चारों तरफ लगा दी है। अभी हम इसको थोड़ी देर सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसका आगे डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए मेरा ये केक हमने सेट होने रखा था, अब ये निकाल लिया है। तो अभी हम इसमें फिर देखिए मैंने केक तैयार कर लिया। अब इसको ना हमने इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो था ना उसको ब्लेंडर में डालकर कर लिया था, क्रश कर लिया था, उसके ऊपर ये लगा दिया। अभी हमें इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, तो ये जो चॉकलेट की बॉल आती हैं तो वो हमने थोड़ी सी उनका वो लगा दें ऊपर, थोड़ा डेकोरेशन अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए बच्चों को अच्छे लगते हैं चॉकलेट ये चीज़ें। केक बनके तैयार है, रेड वेलवेट केक। अब तो आप भी बनाइए, खाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए ज़रूर कि आपको मेरा ये रेड वेलवेट केक कैसा लगा।